अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या मनामध्ये आहे विकासाची आग. अरे खेटू नका विरोधकांनो, ये हाय महाराष्ट्राचा ढाण्यावा. 11 के वोटिंग का फैसला जब 12 तारीख को निकलेगा तो कांग्रेस के सभी नुमाइंदे अच्छी अक्सरियत से चुनकर 100% जाएंगे. भाजपा भाग जाएगी, घड़ी बंद हो गई है, दोबारा नहीं चलेगी. पतन तो कट चुकी है, अभी वापस नहीं आएगी. और समाजवादी पार्टी की साइकिल तो पहले ही पंक्चर हो गई. किस लिए फजूल में हम हमारे वोट खराब करें? किस लिए फजूल में हम हमारे वोट खराब करें? दोस्तों, मैं जानता हूं मैं यहां पर पहली बार तो नहीं आया हूं, और हमारे फारूक भाई मैं कहना चाहूंगा, जितनी बार मैं आया हूं हर बार लोगों की तादाद तो बढ़ते ही गई है, बढ़ते ही गई है, बढ़ते ही गई है. तुमचा भरोसा माझ्यावर, माझा भरोसा तुमच्यावर. ही बात है की नाही? माझ्यावर भरोसा आहे की नाही? मुंबई में गाना चल रहा है, शिवसेना वाले बोल रहे भाजप वालों को माझ्यावर भरोसा नाही काय. यहां पर भरोसा सबको है, यहां पर भरोसा सबको है. अरे इतना बढ़िया रोड बन को एक जमाने में कुछ भी नहीं था. मैं आता था, बड़ी मुश्किल थी. लोगों को चाहिए आज सुकून चाहिए, लोगों को चाहिए कि हम मिलकर काम करें, लोगों को चाहिए ये मुल्क तरक्की करे, और लोगों को ये भी चाहिए कि दो वक्त की इज्जत की रोटी हमें मिले और हमको जो चाहिए वो खाने को मिलना चाहिए. और क्या चाहिए? क्या सरकार फैसला करेगी? क्या सरकार फैसला करेगी आपने क्या खाना है, आपने क्या पढ़ना है, आपने क्या कपड़े पहनना है, आपने क्या बोलना है? आज सरकार ये तय कर रही है कि आपने क्या खाना है, आपने क्या बोलना है, आपने क्या. और ये सब जो बाकी खड़े कर दिए ना, आप समझ लीजिए इनको भाजपा ने खड़ा कर दिया है. बाकी के लोग जो आपको MIM की बात हो या राष्ट्रवादी की बात हो या बाकी समाजवादी पार्टी की बात हो, ये सब ने तय किया है कि कांग्रेस के वोट खराब करो, कांग्रेस के वोट तकसीम करो, कांग्रेस के वोट खराब करके फायदा किसको होगा? बीजेपी को. आज याद रखिए दोस्तों, हमको किसी भी सूरत में बीजेपी को कलम करना है, इस कमल को कलम करना है, इस बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देना है. और जो बीजेपी को साथ देने वाले छुपे हुए ये जो दलाल है उनको भी नहीं साथ देना है. समझ लीजिए कि अगर गलती से भी वो चुन के जाते हैं, गलती से भी वो दूसरे को चुन के जाते हैं, तो सीधे मिलेंगे जाकर बीजेपी से. इनका फैसला हो चुका है, इनका फैसला हो चुका है कि आप हमको मुसलमानों के वोट काट के दो, और अगर आप अपक्ष चुन के आते हो तो हम और आप मिलेंगे और कांग्रेस को बाजू में रखेंगे. याद रखो दोस्तों, मेरी बात आप समझ लीजिए. मैं खास करके मेरे मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहूंगा, पिछली बार क्रॉस वोटिंग हुई, गलती हो गई, सुन लीजिए मेरी बात. पिछली बार क्रॉस वोटिंग हुई दोस्तों, इस बार क्रॉस वोटिंग मत करो. चारों के चार पंजे चलने चाहिए दोस्तों, चारों के चार पंजे चलने. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ताकत बनी रहे, अगर हम चाहते हैं कि इस महानगर पालिका में हम अच्छी अक्सरियत से काम कर चुके. आपके कई मसाइल हैं मैं जानता हूं, फारूक भाई ने मुझे याद दिलाया साहब, अपना ये मनपा का मसला है, जमीनों का मसला है, कि कई लोग घर मकान पे बैठे जमीन दाम पर नहीं है, ऐसे कुछ मसले हैं. आज चुनाव के कारण मैं यहां पर कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं कि चुनाव का मामला, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जब भी कुछ कहेंगे मुझसे तो 10 मिनट के बाद मैं ये फैसला इस महानगर पालिका में करा सकता हूं अगर आपको भरोसा मुझ पर है. इसलिए जरूरी है, हमारी बहुमत मिलना चाहिए, मेजोरिटी मिलनी चाहिए. अगर बहुमत मिलता है, मेजोरिटी मिलती है, तो किसी को लेने की जरूरत नहीं. अगर आप बदकिस्मती से नहीं मिलती है तो इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको पूछो, फिर वो बोलते
हम आते हमको क्या देते? अपने को अभी किसी को देने के झंझट में रहना ही नहीं। अपने को कांग्रेस की इतनी मेजोरिटी चाहिए कि कांग्रेस अपनी ताकत पे, अपने बलबूते पे खुद खड़े हो सकती है और आपके फैसले जो आपके इस एरिया के मसाइल है उसको छुड़वाने के लिए और किसी की जरूरत ना पड़े हमको, ये हम ऊपर अल्लाह ताला से मांगते हैं कि सब काम अच्छा हो। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अरे परभणी में आए, परभणी के लोगों ने कांग्रेस को फुल मेजोरिटी चुन कर दी। परभणी आप देखिए, हमारे सब परभणी के लोग भी यहाँ बैठे हुए, हिंगोली के लोग बैठे हैं पीछे, आप पूछे उनसे कि परभणी में भी कांग्रेस को मेजोरिटी चुन कर दी। वहां मुस्लिम थे, हिंदू थे, सभी ने, दलित थे, सब ने एक होकर पूरे इस मेरी बात मानी और सबको वहां पर चुन के दिया कांग्रेस को, पूरी अक्सरियत से वहां चुन कर दिया। यहाँ की बात भिवंडी, हमारे रशीद ताहिर मोमेन ये भिवंडी से, पूछ लीजिए वहां के हालात क्या है। 3 साल में वहां के पावर लूम बंद हो गए। हमारी मोमिन बिरादरी वहां बड़े पैमाने पर सब लूम है, कपड़ा बनाते हैं, धागा बनाते हैं भिवंडी में। हमारा ज्यादातर मुसलमान मालेगांव में है, भिवंडी में है, जो वहां पर काम करता है, रोजी रोटी वहीं मिलती है ना, 2 बार काम करते हैं। तो 3 साल में रोजी रोटी बंद हो गई है, 3 साल में टैक्स इतने बढ़ गए हैं, 3 साल में इम्पोर्ट इतना चाइना से कपड़ा आ रहा है कि हमारे वहां के लूम बंद हो गए, पावर लूम बंद हो गए, इनको अभी रोजी रोटी नहीं मिलती है। उस भिवंडी में कांग्रेस को लोगों ने चुन कर दिया और अच्छी अक्सरियत से भिवंडी में भी कांग्रेस पूरी मेजोरिटी के साथ चुन कर आई। मालेगांव में लोग चुन कर आए हमारे, जो मालेगांव हो सकता है, भिवंडी हो सकती है, परभणी हो सकती है, तो नांदेड़ में दोस्तों क्यों नहीं, दोस्तों नांदेड़ में भी होगा। आपको सोच समझ के फैसला करना होगा, आपको सोच समझ के फैसला करना होगा। दोस्तों इस देश में 100 से भी ज्यादा मुसलमान भाइयों को पीटा गया, मारा गया, क्यों? एक शक की बुनियाद पर कि तेरे थैली में गोश्त है। अरे भैया शक है तो पुलिस में शिकायत करो, उसको पकड़ के, तो मैं समझ सकता हूं कि भाई कुछ हो सकता है, पर शक, सब झूठ निकला। कितने लोग, 100 से भी ज्यादा लोगों को पकड़ के पीटा गया, मारा गया। सरकार चुप बैठी हुई, सरकार चुप बैठी है, देश के नेता चुप बैठे हैं, महाराष्ट्र के नेता चुप बैठे हैं, यूपी और बिहार के नेता चुप बैठे हैं। लोग मरते जा रहे, लोगों को पीटा जा रहा है। मैं अगर गलत बोलूंगा तो मोबाइल पे देखिए क्या हुआ यूपी बिहार में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर। क्यों भैया, जान इतनी सस्ती है क्या? मुसलमानों की जान सस्ती है, हिंदुओं की जान सस्ती है, दलितों की जान सस्ती है, क्यों? क्या देश में उसको रहने का अधिकार नहीं है क्या? दोस्तों तुम्हारे अधिकार के लड़ने के लिए कांग्रेस आगे रहेगी, मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस आगे रहेगी। कल शब्बीर अली आए थे, हमारे हैदराबाद के नेता शब्बीर अली जी यहां पर आके गए। मैंने शब्बीर अली से कहा, भैया यहां पर आके गए, नांदेड़ में मिलकर गए, मैंने खास बुलाया था, मैंने भैया कहा उनसे, ये हैदराबाद की बीमारी यहां पर आ गई है, पिछले बार पिछले 5 साल से यह बीमारी लग चुकी है, इस कैंसर को यहां से हटाइए। कैंसर अगर हटेगा तो ठीक है, वरना मुश्किल हो जाएगी, पूरे देश में कैंसर बढ़ जाएगा। मैंने कहा हैदराबाद की बीमारी का इलाज हैदराबाद वाला ही कर सकता है, दूसरा नहीं कोई कर सकता। मैंने शब्बीर अली को बुलाया और शब्बीर अली भाई से कहा, अब आए हैं तो इस बीमारी को साथ में लेके जाए, पतंग को वहां जाके उड़ाइए, पतंग यहां नहीं चाहिए पतंग हमको। दोस्तों ये बात समझने वाली बात है, समझ के कदम उठाइए। एक थोड़ी सी गलती हमारी, थोड़ी सी गलती में नुकसान बहुत बढ़ेगा। हमको चाहिए, हम 65 से भी ज्यादा लोग चुन के लाने चाहिए, 65 से भी ज्यादा तो ही मजा है ना। 40 पे लाएंगे, हम लोग पिछली बार 42 लोग चुनकर आए। मैं तो चाहता हूं इस वक्त हम लोग 60-65 के ऊपर चले जाए, बता दे भाजपा वाले को इस हमारे गली में तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये बताने का, जिसके जरिए हमको ये बताना होगा कि आज देश के जो हालात है, देश के जो हालात है, परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर जी घटना ले ली, त्या घटनेला बदलण्याचा प्रयत्न भाजप वाले करत आहेत, त्या घटनेवर आज मागासवर्गीयांना अडचणी में आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत। बस मुसलमानांचं आरक्षण, हमने आरक्षण का फैसला किया था, आपको आरक्षण देने का निर्णय हमने लिया, पृथ्वीराज चव्हाण जी ने लिया था, जैसे ही सरकार बदल गई आपके आरक्षण को बाजू में रखा गया, आपके आरक्षण होने नहीं दिया भाजप वालों ने। क्यों भैया, मराठों को आरक्षण होने नहीं दिया, मुसलमानों का आरक्षण नहीं होने दिया, हमारे दलित भाइयों के पूरे अत्याचार पूरे देश भर में, महाराष्ट्र भर में बढ़ गए। बाबा साहेब अंबेडकर जी का स्मारक 1.5 साल हो गया,
उसका सिर्फ भूमि पर नारियल फोड़ा, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ बड़ी बातें हैं भाई और बहनों। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं? पेट्रोल 80 रुपए पेट्रोल मिल रहा, 80 रुपए पाकिस्तान में पेट्रोल 40 रुपए में, हमारे देश में 81 रुपए में पेट्रोल, अमेरिका में बैरल आ रहा है $50 रुपए बैरल आ रहा है, तो हमारे उस हिसाब से कीमत अगर लगाई जाए तो पेट्रोल की कीमत हमारे पास होनी चाहिए तकरीबन 35-40 रुपए तक, 50 रुपए टैक्स लगाया गया ऊपर से, 50 रुपए टैक्स लगाया गया है भैया क्यों? कल 2 रुपए कम कर दिए तो, हाँ जब हमने सुना चुनाव है तो चुनाव के 2 रुपए कम कर दिए, चुनाव जाएगा 2 रुपए बढ़ जाएंगे, देखो आप चुनाव वोटिंग हो गई 2 रुपए बढ़ा देंगे। दोस्तों ये चल रहा है मामला, समझने की बड़ी संजीदगी से सोचो आप, ये जो खड़े कर दिए गए हैं ये अपने वोट काटने के लिए खड़े कर दिए, ये लोग ऐसे है कि सीधा वोटिंग नहीं मिल सकती है तो अपक्ष खड़ा कर दिया, किसी MIM को खड़ा कर दिया, किसी और को खड़ा कर दिया, किसी समाजवादी खड़ा कर दिया, अपक्ष को खड़ा कर दिया, ये तुम्हारे वोट तकसीम हो जाएंगे तो फायदा BJP का होगा, इसलिए इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर आप गलती नहीं करेंगे तो कांग्रेस चुनकर बराबर आएगी। अरे इंसान की जान की कीमत कोई रही नहीं है, मुंबई में परसों में रेलवे स्टेशन से वहां जो लोग मर गए आपने TV पे देखा होगा, उस सीढ़ी के ऊपर 26 लोग मर गए, सीढ़ी पर इतनी भीड़ भाड़ हो गई थी कि 26 रुपए लोग मर गए। सर मैं अस्पताल में जाकर आया, तकरीबन 8 लाशें पड़ी थी, कोई पहचानने को नहीं था कि लाश किसकी है, मुंबई जैसे बड़े शहर में पता नहीं आदमी कौन है कहां से आया, लाश पड़ी थी, क्यों हो गया? अगर सही वक्त पे रेलवे की दादरा अगर बड़ा करते थे तो आज मुंबई में इतनी भीड़ हो गई है कि वहां पर इन्होंने वादा किया था कि 45,000 करोड़ रुपए रेलवे के दादरे के लिए और पुलों के लिए बनाए जाएंगे, 3 साल में कुछ नहीं, उस सब बड़े बड़ी बातें हुई। उस दिन नांदेड़ में देवगिरी से आया था, देख रहा था कि इतनी हजारों लोग वहां पर नांदेड़ में भी अपने रेलवे स्टेशन में, मैंने उसे DRM को फोन लगा के बोला रे भैया लोग मर जाएंगे भिवंड वहां रेलवे स्टेशन रोड पे मर गए, क्या नांदेड़ में मरने की राह देख रहे क्या? नांदेड़ मैंने कहा तुरंत आप, मेरा कहने का मतलब ये है इस शहर की जिम्मेदारी मैं गारंटी लेने के लिए यहां खड़ा हूं आपके तरफ की तरफ गारंटी लेने, क्योंकि ये शहर की जिम्मेदारी है ना। ये तो लातूर से आया, लातूर का मंत्री लगकर आया था, 300 लोग थे मैंने सुनाया था, लातूर का मंत्री लातूर चला जाएगा, लातूर के फोन आ रहे साहब यहां कुछ नहीं किया लातूर में, लातूर के लोगों के फोन आ रहे हैं ये भाजपा का मंत्री यहां घूम रहा है, उसने लातूर में कुछ नहीं किया, सब फेंक रहा है वहां पर, बोले आके वहां पर नांदेड़ में लातूर में कुछ नहीं किया, नांदेड़ में आके क्या करने वाला है? लातूर का मंत्री लातूर चले जाएगा, MIM वाले हैदराबाद चले जाएंगे, घड़ी बंद पड़ी है अभी क्या करेंगे? इसलिए अभी साइकिल पंक्चर है, घड़ी बंद है, क्यों हमको इधर उधर जाना है? अपने चारों के चार वोट, मैं बार बार इस बात में मेरी आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार की गलती इस बार मत दोहराइए, पिछली बार की गलती करोगे तो फायदा किसको होगा? BJP को। और हमारी लड़ाई देखिए दोस्तों, शुरुआत 2019 के चुनाव की शुरुआत है, 2019 के चुनाव की शुरुआत अभी हो रही है, अगर भाजपा गलती से भी ताकत बढ़ती है तो 2019 के चुनाव में देश में और महाराष्ट्र में ये तबाही करेंगे, याद रखो तबाही करेंगे, उसको यही रोकना है, इस कैंसर को जड़ से उखाड़ देना है, और इसकी शुरुआत भाजपा को शिकस्त देने की शुरुआत नांदेड़ की महानगर पालिका से हमको करना है, ये याद रखो।